सब्सक्राइब करें सक्सेस थ्रिलिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस थ्रिलिंग चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए भारत का भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की जलवायु लेकर आया हूं और इस वीडियो में आपको भारत की जलवायु से संबंधित सभी क्वेश्चन सिर्फ 20 पॉइंट्स में ख़त्म कर दिए जाएंगी। मतलब कि 20 क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा चैप्टर भारत की जलवायु कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं और आते हैं या पूछे जाते हैं, तो इस 20 पॉइंट में आपका सब कुछ कवर कराया गया है। और ये वीडियो आपके लिए SSC, RRB, SSSC, UPSC और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस चैप्टर की जानकारी सभी स्टूडेंट्स को होनी जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। भारत की जलवायु, आइए शुरू करते हैं वीडियो को और पहले देखते हैं जलवायु। जलवायु किसे कहा जाता है? जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान का जलवायु कहा जाता है। ठीक है, जिस क्षेत्र में बहुत ही लंबे समय तक जो मौसम चले, चाहे शरद ऋतु हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे शीत ऋतु हो, तो उस क्षेत्र का जलवायु उसे कहा जाता है। आगे पॉइंट्स को देखते हैं, जो 20 पॉइंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और इस पॉइंट्स को आप देख लीजिए और याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है, भारत में मौसम वैद्यशाला या मुख्यालय पुणे में स्थित है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? पुणे में। और दूसरा पॉइंट है, भारत में मौसम विज्ञान संस्था, देखिए मौसम विज्ञान संस्था नई दिल्ली में स्थित है, परंतु वैद्यशाला या मुख्यालय कुछ भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये पुणे में स्थित है और विज्ञान संस्था नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। थर्ड पॉइंट है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कर्क रेखा और विषुवत रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा को कि बीच का क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि भारत इन दोनों रेखा के बीच में पड़ता है, तो इसलिए यहाँ की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगर आपने मैंने उष्णकटिबंधीय ताप कटिबंधीय से रिलेटेड वीडियो बनाया था, अगर आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक और आप नहीं जानते कि उष्णकटिबंधीय क्या होता है या ताप कटिबंधीय या कर्क रेखा विषुवत रेखा के बारे में सारी जानकारी उस वीडियो में बताई गई है, और आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं फोर्थ पॉइंट को, भारत के प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिमी के मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जो भारत में प्रायद्वीपीय आकृति के कारण जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जो पहली है अरब सागर की शाखा तथा दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। जो हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो हमारे भारत में प्रवेश करती है वो दो शाखाओं से करती है, एक अरब सागर से करती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी से करती है, इसलिए इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चैनल पे नए हैं तो सक्सेस थ्रिलिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं कुछ ना कुछ सीखने और जानने के लिए ज्ञान की बातें, साथ ही मिलते हैं प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित न्यूज और नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो आइए देखते हैं फिफ्थ पॉइंट को, भारत में सबसे पहले मानसून 25 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। ठीक है, कहाँ पे आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 मई को आता है सबसे पहले भारत में। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा आता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। सिक्स्थ पॉइंट, भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होता है। ठीक है, और जो सर्वाधिक भारत में वर्षा होती है किसके द्वारा होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है। ठीक है, और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून को जैसा कि मैंने बताया कि दो शाखाओं में बांटा गया है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो आगे देखते हैं वीडियो को,
सेवंथ पॉइंट है, भारत में वर्षा ऋतु में वर्षा 80% दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ठीक है, तो ये इसी के द्वारा पूरा मानसून आता है हमारे भारत में, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही जो 80% वर्षा होती है इसी मानसून के कारण होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। ठीक है, एट्थ पॉइंट है, मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। ठीक है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी दो शाखाओं में बांटा गया, अरब सागर शाखा और आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो जिसमें अरब सागर की शाखा जो होती है सबसे अधिक मजबूत होती है, शक्तिशाली होती है, क्योंकि इससे ज्यादा वर्षा होती है। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% वर्षा या आर्द्रता अरब शाखा मानसूनी हवाओं द्वारा होता है। ठीक है, और जबकि 35% वर्षा आर्द्रता बंगाल की खाड़ी शाखा मानसूनी हवाओं द्वारा होता है। ठीक है, तो जिस जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसमें जो अरब शाखा है इसके द्वारा 65% 65% वर्षा होती है, जबकि जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल खाड़ी जो शाखा है उसके द्वारा ओनली 35% वर्षा होती है। तो इसलिए अरब सागर शाखा उसकी तुलनात्मक में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट है, अरब शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है। अगर क्वेश्चन आता है आपका कि अरब शाखा का मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है, तो आपका केरल होगा। ठीक है, लेकिन पूरे भारत में सबसे पहले मानसून आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। लेकिन अगर ये पूछता है कि अरब शाखा का मानसून सबसे पहले भारत में कहाँ प्रवेश करता है, तो केरल होगा, जून के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, आगे देखते हैं, टेंथ पॉइंट है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा पूरे भारत की औसत निकाल कर अगर वर्षा निकाला जाए औसत के द्वारा, तो 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिन राम है। ठीक है, मौसिन राम जो आप जानती ही हैं, जो कि पूरे विश्व और भारत में सबसे अधिक है। ठीक है, विश्व में भी अधिक है और भारत में भी है। यह मेघालय राज्य के गारो, खांसी और जयंती पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अधिक वर्षा लाती है। ठीक है, ये मेघालय राज्य के गारो, खांसी और जयंती पहाड़ियां हैं, वहां पे स्थित है क्या मौसिन राम, और यहाँ पे जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं के कारण होती है, और ये अधिक वर्षा यहाँ पे करती है। ठीक है, इसलिए पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ लगभग वर्षा 11,405 मिलीमीटर। ठीक है, अगर मिलीमीटर में पूछे तो 11,405 मिलीमीटर है, और सेंटीमीटर में 1,141 1,141 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और लगभग में पूछेगा तो लगभग में 1,200 सेंटीमीटर इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, ट्वेल्थ पॉइंट है, तमिलनाडु या कोरोमंडल के तट पर शीत ऋतु में वर्षा लौटते मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण सर्वाधिक होती है, लगभग 175 सेंटीमीटर। ठीक है, जो शीत ऋतु में वर्षा जो होती है तमिलनाडु में, इसका कारण होता है लौटता हुआ मानसून या तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण वहां पे अधिक वर्षा होती है शीत ऋतु में, और लगभग 175 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 13 पॉइंट है, उत्तरी भारत के मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। ठीक है, अगर उत्तरी उत्तरी भारत में हमारे मतलब उत्तर भारत में अगर वर्षा शीत ऋतु में होती है, तो वो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। ठीक है, 14 पॉइंट है, उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। ठीक है, जो गर्मी में जो उत्तर पश्चिमी भारत में जो हवाएं चलती हैं गर्म हवाएं ग्रीष्म ऋतु में, उसको लू कहा जाता है। मानसून पूर्व, मानसून से पहले जो तूफान झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मानसून पूर्व जो तूफान आता है उसको इन जगहों पे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह चाय, जूट और चावल के लिए काफी लाभदायक होता है।
ठीक है, ये चाय जूट और ट्राउट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। कि ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता है तो ये पूछ सकते हैं, मानसून पूर्व झारखंड और बिहार या उड़ीसा किसी भी राज्य का पूछ सकता है कि ये जो तूफान आता है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो नॉर्वेस्टर नाम से जाना जाता है। 16th पॉइंट है, मानसून पूर्व तूफान को पश्चिम बंगाल में, अगर पर्सनली अगर पश्चिम बंगाल पूछे तो वहाँ पर पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस हवा को, इस तूफान को वहाँ पे पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। लेकिन और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सबको मिलाकर पूछे तो नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 17th पॉइंट है, मानसून पूर्व तूफान को कर्नाटक एवं केरल में, देखिए कर्नाटक और केरल में चैरनी ब्लैसम, देखिए चैरनी ब्लैसम के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक और केरल में जाना जाता है। यह कॉफी के फूलों के लिए काफी कारगर हो सिद्ध होता है। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक में कॉफी सबसे अधिक होता है और वहाँ पे कॉफी का फूल जो होता है उसके लिए बहुत ये कारगर सिद्ध होता है, लाभदायक होता है। ठीक है, और 18th पॉइंट है, मानसून पूर्व तूफान को तमिलनाडु में, देखिए तमिलनाडु में आम्रवृष्टि के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में किस इस तूफान को किस नाम से जाना जाता है? आम्रवृष्टि के नाम से जाना जाता है, जो आमों को पकाने के लिए सर्वाधिक मददगार साबित होती है। ठीक है, और 19th पॉइंट है, वृष्टि छाया प्रदेश, रेन फेड एरिया। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, वृष्टि छाया प्रदेश जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है, क्योंकि यह पर्वत के पीछे के ढलान वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि पर्वत के पीछे के ढलान वाला क्षेत्र होता है, तो इसलिए यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, रेन फेड एरिया। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पुणे, पुणे जो है ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अंतिम और लास्ट पॉइंट है आज का, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह है, जहाँ 9.20 सेंटीमीटर से वर्षा होती है। ठीक है, सबसे कम मतलब वर्षा वाला क्षेत्र पूरे भारत में लेह है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आपका भारतीय जलवायु इस 20 पॉइंट में पूरा कंप्लीट होता है। और ये 20 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगामी किसी भी परीक्षा में इसके क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, और पिछले परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, इसलिए इस 20 पॉइंट को लिया गया है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बने रहे सक्सेस थ्रिविंग चैनल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।